हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद कश्यप। तो गाइस, हमने कल स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर, तो चलो हम उसको आगे करते हैं। अगर बच्चे आपको कल जो मैंने सेकंड टाइप करवाई थी, अगर वो आपको नहीं समझ आई है तो इट्स ओके, वो मैं आज आपको दोबारा समझाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है? आपको ये हिंदी में, ये बच्चे कुछ सोचेंगे कि मैम हिंदी में क्यों बोल रहे, क्योंकि बच्चे मुझे पता है मैं टीच करती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको हिंदी में ही समझ आता है, तो ये बाइलिंगुअल मेरी वीडियोस होंगी ताकि सबको समझ आ जाए। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट, हम आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो बच्चे, लेट प्रिंसिपल हमने निकालना है। रेट हमें दिया हुआ है 14/2/7%, ठीक है बच्चे? और टाइम है 2 ईयर्स का, ठीक है बच्चे? और CI और SI में डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपये, और CI भी हमें निकालना है, ठीक है बच्चे? बच्चे अब आपको याद होगा तो कल मैंने पहले करवाया था सक्सेसिव इंक्रीमेंट वाला जो टाइप थी, उस तरीके से मैंने करवाया था फर्स्ट मेथड। तो बच्चे ये देखो, उसमें क्या होता था, उसमें या तो हम अमाउंट निकाल सकते हैं, या तो हम प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, और या तो हम जो है CI निकाल सकते हैं। बट इसमें देखो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें CI और SI के डिफरेंस की जो है वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे बच्चे वो वाला मेथड फेल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैंने कल आपको शॉर्टकट मेथड सिखाया था, यहाँ पे वही लगेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने रेट की परसेंटेज वैल्यू लिखनी है। तो रेट की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 14/2/7 की, 1/7, 1/7, ठीक है? ये होती है 14/2/7 की परसेंटेज वैल्यू। बच्चे ये मैंने कल आपको जब चैप्टर ख़त्म किया था तो मैंने आपको लास्ट में ये सारी वैल्यूज लिखवा दी थी। आई होप आपको याद होंगी और आपने याद कर ली होंगी। मैंने आपको जो तरीका बताया था क्या करना है, आपने एक पेज पे लिखना है जहाँ पर आप सोते हो, जिस बेड पे, उसके साइड पे लगा लेना है, ठीक है बच्चे? या फिर किसी अपने दरवाजे पे लगा लो, कोई दीवारें खराब नहीं होंगी। पढ़ते टाइम जब आप पढ़ते हो बच्चे, कुछ चीज़ मत सोचो, जब आप पढ़ लोगे कुछ बन जाओगे तो सब कुछ आपको वापस मिल जाएगा, जो मर्जी दीवारें वो रंगवा लेना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बच्चे इसको आपने लगा के जब रात को सोना है एक बार तब पढ़ना है, और जब आपने सुबह उठना है एक बार तब पढ़ना है, ठीक है? और आप जब बस पढ़ना है या रीड करना है, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी, और वैसे आधी तो अभी करते करते याद हो जाएंगी, मैं ही करवा दूंगी। अच्छा देखो बच्चे, मैं फिर भी बता देती हूँ, आधे बच्चे कन्फ्यूज होंगे कि ये इसका 1/7 कैसे बन गया। ये देखो 14/2/7, तो 7 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 7/4 = 28, 2/7 = 98 आया। और ये जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, इतना तो पता ही होगा। तो 98 + 2/7 कितना आ गया, 100/7। तो बच्चे ये इसके साथ परसेंटेज भी है, तो जब परसेंटेज हट दी है, तो मैंने क्या कहा था, 100/7 परसेंटेज हटती है तो नीचे 100 लग जाता है। तो ये 100 के साथ ये 100 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 1/7। ऐसे बनती हैं ये परसेंटेज वैल्यूज। तो अगर आपको याद नहीं भी हो तो आप बना भी सकते हो ऐसे परसेंटेज वैल्यू। तो वैसे तो आप याद करो, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है एग्जाम में, आपने टाइम बचाना है बच्चे, टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है। चलो अब हम मेथड करते हैं बच्चे। अब हमने क्या करना है, ये जो आर है ना नीचे, इसका स्क्वायर कर लेना है। कितना आया स्क्वायर, 49। तो बच्चे ये 49 जो आया हमने लिखा यहाँ पर, तो बच्चे इसको हमने मान लेना है कि ये हमारा प्रिंसिपल है, हमने मानना है। ये 49 वैल्यू नहीं है, ये 49 यूनिट्स हैं कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, 49। तो बच्चे कितने साल के लिए ब्याज है, 2 साल के लिए, यानी कि पहले साल भी 1/7 लगेगा और दूसरे साल के लिए भी। चलो अब ये हमने कर लिया, ये पहला साल और ये दूसरा साल। पहले साल भी कितना ब्याज लगा, 1/7, तो 49 का 1/7 कितना होता है, 7। कैसे आई ये वैल्यू, मैं एक बार फिर समझा देती हूँ। 49 मल्टीप्लाई इसका 1/7 निकाला, 7 × 7 = 49, 7 × 1 = 7, ऐसे आई ये 7 वैल्यू। ऐसे इधर भी दूसरे साल भी 1/7, तो ये भी आ गया 7। बच्चे मगर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, मैंने क्या कहा था, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, तो जो पहले साल का ब्याज था उसके ऊपर फिर ब्याज लगेगा ना जब दूसरे साल में वो वैल्यू जाएगी। तो ब्याज रेट कितना चल रहा है हमारा, ब्याज की दर चल रही है 1/7, तो इसको 1/7 लगेगा तो हमारा आ जाएगा 1, ठीक है बच्चे? तो बच्चे मैंने क्या कहा था, ये जो पहली लाइन होती है ये हमारा टोटल होता है सिंपल इंटरेस्ट।
क्या होता है, साधारण ब्याज होता है, ठीक है। और ये जो पूरा होता है ना, ये जो पूरा होता है ये हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मिनट बच्चे, जस्ट वेट। ओके बच्चे, तो ये जो मैंने अभी क्या बोला था, सॉरी बच्चे कोई आ गया था, तो ये जो था ये पूरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि 7 और 7 हो गए 14, हमारा ऐसा ही आ गया 14, और 7 और 7 14 प्लस 1 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 15। आपको समझ आया, आई थिंक समझ आया होगा, बट आई रिपीट अगेन। बच्चे देखो, 7 प्लस 7, ये जो पहली लाइन होती है ना, ये सारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो टोटल होता है ना, 7 और 7 और ये, क्योंकि ये सारा ब्याज है, पहले साल 7 रुपये ब्याज लगा, दूसरे साल 7 और 1 2 ब्याज लगे, यानी कि 8, तो टोटल कितना हो गया 15, ये हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चे अगर वो बाई चांस एक ही साल की बात करता, तो ये हमारा पहले साल का ब्याज होता है और ये लाइन पूरी हमारी दूसरे साल का ब्याज होता है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। तो बच्चे देखो, सी आई और एस आई में डिफरेंस कितना है, देखो सी आई माइनस एस आई, उसने यही दिया ना यहाँ पे कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 40 है, तो यहाँ पे कितना आया, 15 माइनस 14, 1 आया अंतर। तो यानी यहाँ पे तो 1 यूनिट आया और यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपये दी हुई है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा 1 यूनिट है वो 40 के बराबर है बच्चे, ठीक है। 1 यूनिट 40 के बराबर है, तो हमने निकालना क्या है, सी आई पूछा उसने, सी आई कितना है 15, तो यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर 1 40 के बराबर है, तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे 40 के साथ, तो कितना हमारा, हमारे पास कितना आ गया, 600, ठीक है बच्चे। 15 चौके 60, तो 0 पीछे 600 आ गया। और उसने प्रिंसिपल पूछा बच्चे, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, 49 यूनिट। ये देखो, हमने सबसे पहले प्रिंसिपल ही निकाला था ना, ये 49 यूनिट, तो 49 यूनिट को भी कर देंगे हम 40 के साथ मल्टीप्लाई, तो हमारा ये देखो प्रिंसिपल आ जाएगा 49 मल्टीप्लाई 40, तो कितना आ जाएगा, 9 4 36, 3 4 4 16 और 3 19, 1960, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल, ठीक है बच्चे। बच्चे ये देखो, मैं दोबारा बताती हूँ, जो चीज़ हमें दी होगी वहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। जब हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है, तो चाहे हम 50 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, और चाहे हम 100 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, चाहे 15 यूनिट की। तो सी आई और एस आई में डिफरेंस कितना था, 15 माइनस 4 1, 1 यूनिट की वैल्यू उसने 40 रुपये दी हुई थी। यहाँ पे हमें कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू सीधी सीधी 40 आ गई है। तो बच्चे उसने सबसे पहले पूछा कि सी आई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा कितना आया था, टोटल 15 आया था, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 1 यूनिट 40, 1 यूनिट 40 के बराबर है, समझ लो आप कि 1 केला 40 रुपये का है, तो हमने 15 केलों की वैल्यू निकालनी है, तो 15 केले गुना 40, तो 600 रुपये के होंगे 15 केले। वैसे ही 1 केला 40 रुपये का है, तो प्रिंसिपल हमारा 49 है, इसका मतलब प्रिंसिपल 39, 49 केलों की रकम निकालनी है, तो 49 मल्टीप्लाई 40, 1960 हमारा आ गया आंसर। बच्चे यहाँ पे केले वगैरह कुछ नहीं है, वैसे ब्याज चल रहा है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए छोटी छोटी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कई बच्चों को समझ नहीं आता है। चलो, आई होप आपको ये समझ आया होगा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बच्चे मैं इसलिए करवा रही हूँ एक जैसे क्वेश्चन दो तीन, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आज का सेकंड क्वेश्चन, वैसे ही उस टाइप का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, कल मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिया था। बच्चे मान लो प्रिंसिपल हमारे पास है, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें दिया हुआ है 8 सही 1/3%, सॉरी बच्चे 8 सही 1/3 की वैल्यू होती है 1/12, मैंने कल लिखवाई थी आपको, ठीक है, तो आपको याद करनी है वो सारी वैल्यूज। टी टाइम हमारा है 2 ईयर्स का, और बच्चे हमें सेकंड ईयर दूसरे साल का सीआई दिया हुआ है। सेकंड ईयर सीआई कितना दिया हुआ है, 9 रुपये 10 पैसे, यानी कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि
चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ हमें, ठीक है बच्चे, 9 रुपए 10 पैसे। और हमने और क्या निकालना है, सी आई, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालना है। बच्चे आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है तो, कि ये चीज़ को भी हिंदी में करवाओ ये भी, क्योंकि आई नो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता है। प्रिंसिपल मतलब होता है मूलधन, मैंने कल भी बताया था, ठीक है। रेट होती है दर, टाइम होता है समय, इतने साल, इतने इतने महीने हो सकते हैं, इतने दिन हो सकते हैं, ठीक है। वो महीने साल दिन वो भी मैं क्लियर कराऊंगी अभी। अच्छा बच्चे अब हमें क्या करना होता है, ये जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसका करना होता है स्केयर, यानी कि 12 का स्केयर होता है 144, प्रिंसिपल आ गया हमारा 144, 144। तो 2 साल का ब्याज है, पहला साल और दूसरा साल, कितना ब्याज पड़ रहा है 1/12, तो 1/12 इसका कितना हो जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा। दूसरे साल भी 1/12 यानी कि 144 का 1/12 हो जाएगा 12 रुपये। और अब इसका क्या करेंगे हम, इसका भी 1/12 होगा क्योंकि ब्याज का ब्याज पड़ता है ना, जो पहले साल का ब्याज था उसका ब्याज कितना आ जाएगा, 1 रुपया, ठीक है बच्चे। ये हमारा सारा होता है सी आई ओ एस आई सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है। और ये हमारा होता है पहले साल का ब्याज, ये जो मैंने लिखा है ना इससे क्लियर हो, ये पहले साल का ब्याज है और ये हमारा है दूसरे साल का ब्याज। तो बच्चे इस बार उसने दूसरे साल का ब्याज जो है वो दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है, 13 यूनिट की वैल्यू है 9.10, ठीक है 13 यूनिट की वैल्यू है 9.10। तो 1 की कितनी आ गई, 1 की आ गई, देखो बच्चे आपको मैं इसको ना सारा क्लियर करती हूँ। पॉइंट के बाद जितनी वैल्यू होती है ना तो नीचे उतनी 1 के साथ उतनी 0 लग जाती है, ठीक है। और ये 13 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जब इस साइड आएगा 13 × 13 = 91 और 0, ये 0 के साथ ही ये 0 गई, 7/10 आ गया। तो 7/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.7, ठीक है बच्चे। ये हमारी आ गई 1 यूनिट की वैल्यू 0.7। तो हमने पहली बात तो हमने प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है हमने प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 144। तो 144 यानी कि एक केला 0 रुपए 7 पैसे का है, तो 144 केले कितने के होंगे, इसको गुणा कर देंगे 0.7 के साथ, तो कितना आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 7 × 4 = 28, 100.8, ठीक है बच्चे। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना और इतना ही आएगा, ठीक है 100 रुपए 8 पैसे आ जाएंगे। तो हमें और क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये सारा का सारा, पहले साल 12 रुपये ब्याज, 12 + दूसरे साल 12 और 1 रुपया और ब्याज, 12 और 12 = 24, 25, यानी कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 25 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। तो अब 25 केले की भी रकम निकालनी है, तो इसको कर देंगे 0.7 के साथ गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब हम 25 के साथ करेंगे तो 17 रुपए 5 पैसे, ठीक है ये आ गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप आपको बच्चे समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो इट्स ओके, हम एक और क्वेश्चन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। चलो बच्चे एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमें मान लो प्रिंसिपल हमें निकालना है और रेट हमें दिया हुआ है 6 सही 2/3%। बच्चे सॉरी 6 सही 2/3 की वैल्यू होती है 1/15, 1/15। और टाइम हमें दिया हुआ है 2 साल, और टाइम है ये टाइम, ठीक है। और सेकेंड ईयर का सीआई, दूसरे साल का ब्याज हमें दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया हुआ है 8 रुपये, ठीक है बच्चे। और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालना है, ठीक है बच्चा। तो बच्चे 15 का स्केयर कितना होता है, सबको पता है 225 होता है, तो हमने कर दिया इसका 225, ठीक है। स्केयर करना होता है ना, सबको याद ही, और ये क्या बन जाता है हमारा, प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब दो साल की बात की गई है, तो यहाँ पे पहला साल और दूसरा साल, तो कितना ब्याज है 1/15, इसका 1/15 का कितना होगा 15, और दूसरे साल भी 15, और इसको फिर ब्याज लगेगा, पहले साल वाले को फिर ब्याज लगेगा, कितना ब्याज दर तो सेम ही चल रही है 1/15, ठीक है। तो 1/15 को करेंगे तो 1 रुपया आ गया, ठीक है बच्चे। तो बच्चे कहता दूसरे साल का ब्याज 18 रुपये, आपको अब तो याद ही हो गया होगा, ये पहले साल का ब्याज होता है और ये दूसरे साल का होता है। तो दूसरे साल में कितने रुपए बन रहे हैं हमारे, 16, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू 8 रुपए है।
तो एक यूनिट की कितनी आ गई, 16 दूनी 8 दूनी 16, तो यानी कि सॉरी 8/16 आ गया, यानी कि 8 × 8, 8 × 2 = 16, तो हमारी वैल्यू आ गई 0.5। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 0.5। तो हमने किसकी निकालनी है, हमने निकालनी है 225 की। ठीक है बच्चे, 225 की निकालनी है, तो प्रिंसिपल 225 है, इसको कर देंगे 0.5 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 112.5 गुणा करने पे। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। और हमने टोटल सीआई भी निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 15 और 15 30 और 1 16, ये देखो 15 और 15 30 और 1 16, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये टोटल होता है ना, पहले साल का दूसरे साल का ब्याज, ठीक है, ब्याज जो होता है वो तो टोटल की बात की इसने, ठीक है, टोटल ब्याज कितना है, 15 और 15 30 और 1 31, यानी कि 31 यूनिट है, मगर हमें यूनिट की वैल्यू भी निकालनी है, तो एक यूनिट यानी कि एक केला अगर 50 पैसे का है, तो 31 केले कितने के होंगे, इसको कर दिया 0.5 के साथ, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि 15 रुपये, 15 रुपये 5 पैसे, ये हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। आई होप बच्चे आपको अब ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। चलो अब हम बच्चे करेंगे इसके जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अब ये थोड़ा चेंज होगा क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है ना बच्चे। प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट हमें दिया हुआ है 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5, ठीक है, और टाइम हमें दिया हुआ है बच्चे 1 साल और 73 दिन, 33 डेज, 1 साल और 73 दिन दिए हुए, ठीक है, 73 डेज, ठीक है, और हमें और क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, ठीक है, निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो बच्चे इस मेथड से, आप कुछ भी निकाल सकते हो, सब कुछ निकल जाता है, ठीक है। चलो बच्चे सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मेथड सेम है, अभी आपको समझ लग जाएगा कि कुछ भी चेंज नहीं है। 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 25, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल बच्चे, पहले साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज। अच्छा बच्चे हाँ, मैं आपको एक चीज बता दूँ, यहाँ पे हम 2 साल क्यों कर रहे हैं, जब भी आपको टाइम 1 साल से ऊपर दिया होगा, चाहे कुछ दिन दिए होते हैं ऊपर या कुछ महीने दिए होते हैं, तो आपने हमेशा 2 साल का निकालना है, ठीक है, उसके बाद में बताऊंगी क्या करना है, पर आपने हमेशा 2 साल का निकालना है, ठीक है। तो कितना ब्याज पड़ रहा है, 1/5 और 1/5, तो 25 का 1/5 कितना आ गया बच्चे, 5, दूसरी साइड दूसरे साल का भी 5, मगर अब ब्याज के ऊपर फिर ब्याज पड़ेगा, 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 5 के साथ 1 आ जाएगा, ठीक है, ये कैसे आ रहा है मैं बता देती हूँ, 5 × 1/5, 5 के साथ 5 किया तो 1 आया ना, तो वो यहाँ लिख दिया, ठीक है बच्चे। अब बच्चे देखो, पहले साल का 1 साल का तो पूरा ब्याज पड़ रहा है, वो 5 रुपये पूरा आएगा, मगर दूसरे साल के उसने 73 दिन की बात की है, मगर ये जो होता है ये पूरे साल का ब्याज होता है, 5 और 1 6 आया ना यहाँ पे, ये जो 6 है ये पूरे साल का, यानी कि 365 दिन का ब्याज है ये, ठीक है, मगर हमने तो 73 डेज का निकालना है, तो हम अब क्या करेंगे, 6 × 73 × 365, ठीक है बच्चे, तो अब हम ऐसे डेज निकाल लेंगे, ठीक है, जितने दिन का निकालना है वो दिन ऊपर, और टोटल जितने दिन होते हैं वो नीचे, और गुना जो पूरे साल का ब्याज है वो गुना, ठीक है, 73 × 73, 73 × 5 = 365 होता है, तो ये देखो 5 × 5, 5 × 5, 5 × 10 कितना आ गया, 1.2, यानी कि दूसरे साल हमें कितना ब्याज लगेगा, 1.2, इतना 1 रुपये 2 पैसे ब्याज लगेगा, ठीक है, तो पहले साल का 5 है और दूसरे साल का 1.2 है, तो कितना हो गया, 6.2 ब्याज हो गया, ठीक है बच्चे। तो हमें दिया क्या हुआ है, हमें बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 1240 रुपये, ये दिया होगा फिर ही निकलेगा, 1240 रुपये जो हमें दिया हुआ है। अच्छा बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था 1240 रुपये, मगर यहाँ पे 6.2 है, यानी कि 6.2 की वैल्यू कितनी है, 1240 रुपये,
तो यहाँ पे लगाओ आप जीरो, तो अब कर दो सिक्स, अब यहाँ पे कर दो, ये सिक्स बच्चे उधर चला जाएगा, सॉरी ये 1240 है, गुना 10 ऊपर आ जाएगा और 662 नीचे चला जाएगा। इसको काट दो बच्चे, टू पे टू, थ्री जा टू, वन जा टू, सिक्स जा ट्वेल्व, टू टू जा फोर, जीरो, 31 एकम 31, 31 दूनी 62 और 20, यानी कि कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 200। जब 20 को 10 के साथ गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 200 आ गई है बच्चे। तो हमने निकालना क्या है बच्चे, यहाँ पे हमने निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 25, तो एक 25 यूनिट है, एक यूनिट की वैल्यू 200 है, तो 25 को कर दो गुना 200 के साथ, तो कितना आ गया 25 दूनी 50, यानी कि 5000 हमारा है प्रिंसिपल। आई होप बच्चे आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी और आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो। चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो प्रिंसिपल हमारे पास, हाँ प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट है हमारे पास 12 सही 1/2%, बच्चे 12 सही 1/2 की वैल्यू होती है 1/8, और टाइम है हमारे पास 1 साल और 4 मंथ, 4 महीने, ठीक है, 1 साल और 4 महीने, ठीक है बच्चे। सी आई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 17820, ठीक है, 17820 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ओके बच्चे। चलो बच्चे इसको निकालने का तरीका सबको ही पता है, इसका कर देना है स्केयर, कितना आ गया 8 8 64, 64 आ गया बच्चे, ये 64 हमारा प्रिंसिपल हो गया। 1 साल से ऊपर है 4 महीने, तो मगर निकालना हमने कितने टाइम का है, 2 साल का, मैंने अभी बताया ना, चाहे 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो, चाहे 2 दिन ऊपर हो, 1 महीना ऊपर हो, तो हमने हमेशा 2 साल का ही निकालना है। तो कितना ब्याज है 1/8, 1/8, तो पहले साल कितना 8 रुपये, दूसरे साल भी 8 रुपये, मगर ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ेगा 1/8, यानी कि 1 रुपया और ब्याज पड़ा, ठीक है बच्चे। बच्चे ये देखो, ये हमारा जो है, ये तो हमारा हो गया 1 साल का पूरा, यानी कि 12 महीने का, ये जो होता है ये भी पूरा 12 महीने का है, मगर हमें तो चाहिए 4 महीने का, तो ये कितने आए 9, यानी कि 9 ऊपर जितने महीने का निकालना है उतने महीने ऊपर, और साल में जितने महीने होते हैं उतने महीने नीचे, ठीक है, जितने दिन जितना ब्याज आता है वो ऊपर गुणा जितने महीने का निकालना है उतने महीने ऊपर, सॉरी बच्चे, और टोटल साल में जितने महीने होते हैं वो नीचे, 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, और 3 1 3, 3 के टेबल में आता है ये 9, 3 पे, यानी कि कितना आ गया 3 रुपये ब्याज पड़ता है हमें, यानी कि दूसरे साल में, इसके अकॉर्डिंग तो 9 पड़ रहा था ना, मगर ये पूरे साल का था 12 महीने का, मगर हमें तो 4 महीने का चाहिए था, यानी कि 4 महीने में 3 रुपये ब्याज पड़ रहा था, ठीक है बच्चे। तो पहले साल 8, दूसरे महीने 3 रुपये, कितने हो गए 11 रुपये, यानी कि 11 यूनिट की वैल्यू है 17820, तो 11 यूनिट किसके बराबर है 17820 के, तो इसको काट दो, 11 एकम 11, 11 6 66, 11 दूनी 22 और 0, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 16 20, तो हमने निकालना है प्रिंसिपल, तो कर दो गुना 64 गुना प्रिंसिपल, 64 यूनिट है ना यहाँ पे, तो एक यूनिट आ गया, तो अब जितने मर्जी यूनिट निकालो, 64 मल्टीप्लाई 16 20, तो बच्चे कितना आएगा, आप कर लोगे ना मल्टीप्लाई इसको, कि मैं करूं, चलो मैं कर ही देती हूँ, कितना आएगा 1, अच्छा करती हूँ मैं, 0 8 6 3, हाँ 0, ठीक है, इतना आ जाएगा हमारा टोटल, ठीक है बच्चे। आई होप बच्चे आपको समझ आ रहा होगा, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट पता नहीं आपको समझ आ रहा है कि नहीं।
बच्चे अगर आपको नहीं समझ आता है, आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखो और क्वेश्चन को बार बार देखो और उस टाइप के क्वेश्चन आप जितने हो सकते हो सेम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और आपको क्वेश्चन ज़्यादा समझ आए। ठीक है बच्चे, चलो बच्चे अब आगे हमारे पास थर्ड टाइप। ठीक है, अभी तक हमने दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए, अब आगे हमारे पास थर्ड टाइप। जब 3 साल की बात की हो तब क्या करना है, अब वो वाला आ गया। प्रिंसिपल बच्चे हमने निकालना है, रेट हमारे पास है 10%, 10% की वैल्यू होती है 1/10। टाइम हमारे पास है 3 साल, 3 ईयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है बच्चे 6620 रुपीस। ठीक है बच्चे, बच्चे देखो मेथड वही है, अब मैं बताती हूँ। अच्छा, हमने क्या करना है, सबसे पहले जब 2 साल की बात होती थी तो हम करते थे स्क्वायर, जब 3 साल की बात होगी तो हम करेंगे क्यूब। किसका, इसका, ये जो रेट की वैल्यू आई है इसका कर दो क्यूब, कितना आ गया 1000 आ गया, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। तो अब 3 बार करना है, 1 साल, 2 साल और 3 साल, यानी कि पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल। अच्छा बच्चे देखो, पहले साल कितना ब्याज पड़ रहा है 1/10, तो 1/10 कितना हो जाएगा 100, फिर 100, क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट होते हैं पहले सालों में, ये तो बराबर ही होगा। ठीक है, और अब क्या होगा, अब इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ब्याज पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर ब्याज पड़ेगा ना, जब ये दूसरा साल जो 100 रुपये तीसरे साल में जाएगा इसके ऊपर ब्याज पड़ेगा, तो कितने कितने रुपए ब्याज पड़ेगा, 10 रुपये। अब एक तो इसके ऊपर जब ये दूसरे साल में जाएगा तब ब्याज पड़ेगा, 1/10 कितना आया 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये आ गया। अब बच्चे ये जो 10 रुपये आया है इसके ऊपर फिर ब्याज पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो 10 रुपये आया है एक तो इसके ऊपर ब्याज पड़ा है, और ये जब 100 रुपये तीसरे साल में मिल जाएगा एक इसके ऊपर तब भी ब्याज पड़ेगा। ठीक है, एक इसके ऊपर डायरेक्ट ब्याज पड़ेगा 1/10। एक मिनट बच्चे, मैं ना वेट। एक मिनट बच्चे, मैं आपको दोबारा से क्लियर करती हूँ। ये देखो, एक तो जब ये पैसे जाएंगे दूसरे साल में, दूसरे साल वाले जब तीसरे साल में जाएंगे इसको 1/10 ब्याज पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये। फिर बच्चे ये पैसे पहले जाएंगे दूसरे साल में, ठीक है, इसको 1/10 ब्याज पड़ेगा, कितना आएगा 10 रुपये। जब ये फिर तीसरे साल में जाएंगे, जब ये 100 में ऐड हो जाएंगे, फिर इसको 1/10 ब्याज पड़ेगा, यानी कि 1 रुपया। और एक जब ये पैसे डायरेक्ट तीसरे साल में जाएंगे तब इसको 1/10 ब्याज पड़ेगा, यानी कि 10 रुपये। यानी कि इतना प्रोसेस तो सेम चलेगा जो हम कर रहे थे 2 साल का, मगर इसको एक तो जब ये पैसे दूसरे साल में जाएंगे तब इसको ब्याज पड़ेगा, फिर ये पैसे 100 में ऐड हो जाएंगे 110 हो जाएंगे, फिर ये 110 को जब तीसरे साल में जाएगा 110 रुपये, तो फिर इसको 1 रुपया ब्याज पड़ेगा, और एक इसको डायरेक्ट ब्याज पड़ेगा 100 रुपये को 10 रुपये। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा बच्चे। आपको शायद अभी ना हो, जब हम 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा। तो बच्चे देखो, ये जो पहली लाइन होती है 100 100 100 रुपये, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है जो हर साल बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, मगर हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट किया इसीलिए तो ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ रहा है ना। ठीक है, तो और ये जो टोटल होता है ना, ये जो टोटल होता है, ये 100 ये 100 ये 100 और एक ये 10 और ये 10 और ये 1 और ये 10, ये सारा क्या है, ये हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट।
ठीक है। और ये जो इस लाइन में है, ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है, ये पहले साल का ब्याज है, और ये जो ये है, ये जो सेकंड लाइन है, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, और ये जो हमारी तीसरी लाइन है, ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। ठीक है, चलो पहले साल में कितना ब्याज है, पहले साल सिर्फ 100 रुपये ब्याज पड़ता है, दूसरे साल एक तो 100 रुपये पड़ रहा है, और एक ये जो 10 है, ये 10 रुपये ब्याज पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि 100 और 10 110 हो गया। तीसरे साल में कितना ब्याज पड़ रहा है, 100 और एक ये 10 110 हो गए, और एक ये 10 120 हो गए, और एक ये रुपया यानी कि 121 रुपये ब्याज पड़ रहा है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 133, यानी कि 331 जो है इतना ब्याज पड़ रहा है, मगर ये होगा टोटल ब्याज, मगर यहाँ पे तो 6,620 दिया हुआ है टोटल ब्याज, यानी कि 331 बराबर है 6,620 के। तो ये जब हम काटेंगे, एक पे गया, ये 20 पे गया, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू आ गई 20, एक यूनिट की 20 आ गई वैल्यू। तो बच्चे हमें किसकी निकालनी है, हमने प्रिंसिपल निकालना है, 1,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, 1,000 गुना 20 यानी कि 20,000 प्रिंसिपल आ गया, यानी कि 20,000 आ गया हमारा प्रिंसिपल। बच्चे बाकी सेम था, एक यूनिट की वैल्यू निकाल के कहीं पर भी पुट कर दो, सब आ जाएगा। जब हमारे पास एक केले के पैसे आ गए कि एक केला 20 रुपए का है, तो यहाँ पे इसका मतलब है 1,000 केले निकालने हैं, तो 1,000 केले कितने के होंगे, अगर एक केला 20 रुपए का है तो गुना करेंगे। तो बच्चे जब एक चीज की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू आ जाती है ना, तो आप जो मर्जी निकाल दो, कुछ भी निकाल दो, सबकी वैल्यू आ जाती है। ठीक है, आई होप आपको बच्चे समझ आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, तब आपको समझ आ जाएगा। अच्छा एक, मैं इसको ना दूसरे मेथड से करवाती हूँ, मैं इसको ना रब करूँ थोड़ा सा, एक मिनट मुझे इरेजर लेने दो, मैं आपको ना एक इसका सिंपल मेथड भी बताती हूँ। चलो बच्चे, अच्छा बच्चे अब हम करते हैं एक, देखो जब हमें ये सिंपली क्वेश्चन हो, तो इसका एक सिंपल मेथड भी होता है। बच्चे ये फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली हमने 1/10, तो यानी कि 3 साल की बात की गई है, 3 साल ब्याज पड़ा है, तो यानी कि सबसे पहले आ गया पहले। ये बच्चे हम मैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट के मेथड से करवाने लगी हूँ, 1/10 यानी कि तीनों साल इतना ही ब्याज पड़ रहा है, 1/10 1/10 दूसरे साल, 1/10 तीसरे साल भी, ब्याज जो है 1/10 की दर से है, यानी कि 10 रुपये हमने जमा कराए, और ये जो 1 रुपया है ना, ये जो पीछे ऊपर एक होता है, ये जमा हो जाता है क्योंकि ब्याज बढ़ा, 1 साल बाद हमें 1 रुपया बढ़ के यानी कि 11 रुपये मिले, फिर अगले साल 10 रुपये जमा कराए, ये 1 रुपया बढ़ गया यानी कि 11 रुपये बन गए, फिर ये 10 रुपये जमा कराए और ये 1 रुपया बढ़ गया यानी कि 11 रुपये। ये बच्चे पैसे नहीं है, मैं आपको जस्ट तरीका बता रही हूँ कि ऐसे करना, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अगर जब घटेगा तो ये माइनस हो जाती है ऊपर वाली वैल्यू, जब बढ़ता है तो ये प्लस हो जाती है, और जब हम ब्याज निकालते हैं तो हमें इतनी चीज़ कॉमनली इतना तो होना ही चाहिए कि ये जो बढ़ ही रहा है ब्याज, हमेशा बढ़ के ही मिलता है, कभी घट के नहीं मिलता। तो चलो अब हम इसको करेंगे। मैंने क्या कहा था, इधर वाली वैल्यूज हो जाती हैं मल्टीप्लाई, तो इन सबको कर दो, 10 10 100, 100 10 1000, और जब हम 11 को 3 बार गुना करते हैं, 11 11 121 और इंटू 11 1331। तो बच्चे मैंने क्या कहा था, जो इधर आता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल, जो इधर आता है वो हमारा होता है अमाउंट। ठीक है बच्चे, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है जो हमने राशि जमा कराई है,
जब उसमें ब्याज ऐड हो जाता है, ब्याज जमा हो जाता है, तो वो मिश्रधन होता है। जैसे हमने ईए प्रिंसिपल क्या होता है, मूलधन। बच्चे मूलधन होता है जो हमने बैंक में जमा कराए हैं। बच्चे हमने बैंक में 1,000 रुपये जमा कराए थे और हमें 3 साल बाद 1,331 रुपये मिले, तो यानी कि ब्याज कितना पड़ा है, 331 रुपये ब्याज पड़ा है। ये रुपये नहीं है, ये यूनिट है, ठीक है। यानी कि 331 यूनिट हमें ब्याज पड़ा है, तो 331 ब्याज पड़ा है, मगर यहाँ पे तो ब्याज 6,620 दिया हुआ है, यानी कि 331 किसके बराबर है, 6,620 के बराबर है। तो यहाँ से हमारी एक यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी ना बच्चे, कितनी आई, 20 आई। एक यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो एक एक केले की वैल्यू आ गई है 20 रुपये। तो हमने कितने केले निकालने हैं, ये अभी निकाला नहीं है, अभी निकल जाएगा। तो हमारा प्रिंसिपल कितना, 1,000, हमें 1,000 केलों की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1,000 × 20, यानी कि 20,000 आ गया हमारा आंसर, प्रिंसिपल मूलधन आ गया हमारा। आई होप गाइज आपको समझ आ रहा होगा, मेरी तो पूरी कोशिश है कि आपको समझ आए, बट चलो आप बार बार देखना इस वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा। चलो मैं इसके जैसा सेम क्वेश्चन नेक्स्ट करवाती हूँ, फिर आपको और क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल बच्चे आपने निकालना है, रेट बच्चे आपको दिया हुआ है 15%। 15% की वैल्यू होती है 3/20, और टाइम आपको दिया हुआ है बच्चे 3 ईयर्स, और CI और SI में डिफरेंस है 5,670 रुपीज़, ठीक है बच्चे। चलो बच्चे मैंने क्या कहा था, हमेशा रेट का कर देना है क्यूब, कितना आया हमारे पास। अच्छा देखो, अब वो सक्सेसिव इंक्रीमेंट के मेथड से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बता दिए। वो सिर्फ तब लगता है फॉर्मूला जब हमें सिंपली प्रिंसिपल पूछा हो, या अमाउंट पूछी हो, या फिर ब्याज पूछा हो। मगर जब घुमा के क्वेश्चन दे देता है अंतर वगैरह, तब नहीं वो मेथड लगता, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, 20 का क्यूब 20 का क्यूब कितना आ गया, 8,000, ठीक है। 8,000 आ गया हमारा 20 का क्यूब। प्रिंसिपल क्यूब का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर अगर क्यूब है तो उसका मतलब है उसको अपने आप के साथ 3 बार गुना करना, यानी कि 20 × 20 × 20। बच्चे मैं छोटी छोटी चीज़ें साथ में समझाती चल रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो अब इसको लगेगा 3 बार ब्याज, पहला साल, दूसरा साल, और ये हमारा तीसरा साल। कितना ब्याज लग रहा है, 3/20। 3/20 कितना आएगा। अच्छा अब कई कह देंगे कि इसका आंसर आ गया 2,400 आ गया, मगर गलत, 3 भी है ऊपर। इसका मतलब 8,000 × 3/20, 0 से 0 गया, 2,400 आ गया, और 4 × 3 = 12, यानी कि आ गया हमारा 1,200। तो ये भी 1,200 होगा और ये भी 1,200 होगा, क्योंकि जो पहली लाइन है वो हमेशा इक्वल होती है। अब क्या होगा, अब इसको लगेगा ब्याज एक तो डायरेक्ट तीसरे साल में, कितना, 3/20, तो कितना आ जाएगा हमारा, 180 रुपये, ठीक है, 180 रुपये आ गए। अब इसको ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा 3/20, कितना आया, कितना आया हमारे पास, हमारे पास आ गया 180 आ गया। फिर इसको ब्याज लगेगा 3/20, तो हमारे पास कितना आ गया, 27 रुपये, ठीक है बच्चे। मैं थोड़ा इधर करके लिख देती हूँ, 27 रुपये आ गया। और एक इसको डायरेक्ट ब्याज लगेगा, ये तो पता ही है ना आपको, जब ये तीसरे साल में जाएगा दूसरा, तो इसको लगेगा 3/20, ब्याज दर सेम ही चलती है, तो इसको भी आ गया 180 रुपये। ये हमारा पहले साल का ब्याज है, ये हमारी लाइन, ये और ये हमारा दूसरे साल का ब्याज है, और ये हमारा तीसरे साल का ब्याज है। मगर उसने क्या पूछा है, उसने CI और SI में डिफरेंस दिया है। तो बच्चे मैंने क्या कहा, ये जो पहली लाइन होती है ये सारा होता है साधारण ब्याज, क्योंकि ये सारे बराबर हैं और साधारण ब्याज हमेशा बराबर होता है। तो 1,200 1,200 1,200 कितना हो गया हमारा, 3,600 हो गया, यानी कि 3,600 हमारा है साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 3,600 + 180 और 180 अभी कर लेते हैं, 3,600 + एक ये वाला 180, एक ये वाला 180, और एक ये वाला 180, और एक ये वाला 27,
तो कितना आ गया, 7 8 24 25 26 का 6 हंसी लगा, 2 8 9 10 11 और एक इतना आ गया। ठीक है, मैंने शायद प्लस गलत कर दिया, ये ठीक ही है। 12 3 36 36 180 180 180 8 8 16 8 9 10 11 का एक, चलो कितना आया, 4 1 6 2 बचे 7 है यहाँ पे, 7 सॉरी यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, मैं तभी कहूँ कुछ गलत है। अच्छा बच्चे, अब हम इसको माइनस करते हैं। अभी इसमें से 3600 माइनस किए तो कितना आया, वैसे मुझे तो पता है 5 6 7 आएगा, 7 6 और 11 में से 6 गए 5, कितना आ गया बच्चे डिफरेंस, 5 7 6। यही तो निकालने, यही तो निकाला हुआ है ना उसने, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ही तो निकाला हुआ है ना, माइनस ही तो किया हुआ है। हमारा माइनस करके कितना आ रहा है, 5 7 6, मगर इनका 5 7 6 0 है, यानी कि 5 7 6 यूनिट किसके बराबर है, 5 6 7 0 के। तो ये गया 10 पे, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10। ओके, एक यूनिट की वैल्यू 10 है, तो हमने प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि कितने यूनिट निकालने हैं, 8000 यूनिट निकालने हैं। अगर बच्चे एक यूनिट 10 के बराबर है तो 8000 कितने किसके बराबर होंगे, गुना 10 कर देंगे, तो आ गया हमारे पास 80000 प्रिंसिपल। आई होप बच्चे आपको समझ आया होगा इतना, तो मुझे लगता है आज के लिए इतनी क्लास इनफ है, तो हम बाकी क्वेश्चंस कल करेंगे। तो थैंक यू बच्चे, एंड प्लीज़ 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 लाइक माई चैनल, सॉरी लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और बच्चे अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी छोटी सी छोटी चीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी जो है वो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।